चेंज किया अपने आप में, ऑब्जर्व किया, वो ये रहा कि खुशी, सबसे पहली चीज खुशी, अपने आप में किस तरीके से खुश रहा। बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप अप्रोच है, तो काफी अच्छा लग रहा है। थिंकिंग की पावर इतनी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपकी पूरी बॉडी के आपके विचारों को चेंज कर सकती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, गुस्से पे कंट्रोल करके अब ऐसा लगता है कि नहीं, हम खुश हैं, हम अपने में खुश हैं। काफी अच्छा लगा, मैंने ये फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और सुदर्शन क्रिया करके काफी सुकून मिलता है। एक्चुअली मुझे कॉलेज रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, तो काफी कम हुआ है, लाइक काफी ज्यादा कम हुआ। हां, I can observe that positive thing myself. कि मन शांत है और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। लाइफ की बेस्ट थिंग है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग तरह का अनुभव लग रहा है, इससे मन की शांति मिलती है। तीन चार दिनों से एक अलग ऐसा लग रहा है कि हम अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं, एकदम रिलैक्स माइंड और सब कुछ, सबको लेके बहुत पॉजिटिविटी है। तो जो बॉडी की एनर्जी है वो एक अलग लेवल पे है, थॉट्स क्लियर हुए हैं, लाइफ जीने की जो नई जो टूटे हैं वो सीखने को मिली है। अच्छा लगा, दिन भर बहुत अच्छा लगता है ये क्लियर करना चाहिए। एक तो मैं काफी शांत हो गई, बहुत अच्छा चेंजेस मुझे ये लगा कि मैं ज्यादा सोच नहीं रही हूँ। पॉजिटिव चेंजेस है, थिंकिंग है डे टू डे लाइफ में जो होती है बहुत पॉजिटिव है, रिलैक्सिंग बहुत ज्यादा लग रहा है, ओवर थिंकिंग होती ही नहीं है, वो काफी पॉजिटिव रहते हैं और अच्छा लग रहा है अभी। मुझे आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा, मतलब आत्मविश्वास बढ़ा मेरा, मैं कुछ भी पढ़ा हुआ याद रख पाता हूँ, पहले भूल जाता था। आप गुस्सा कम करते हो, आप चिंता कम करते हो, पॉजिटिविटी आई है और अवेयर हूँ मैं क्या जो सोच रही हूँ वो पता है, मतलब नेगेटिव थिंकिंग तो अभी नेग्लिजिबल ही है। फिर से मैंने किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, सो दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एंड दैट इज अ वेरी गुड चेंज। और ये अकाउंट में जो भी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन गए और मन को भी अभी बहुत स्थिर लग रहा है और थोड़ा हल्का लग रहा है। थैंक यू टू ऑल टीचर्स एंड गुरुजी, और काफी पॉजिटिव चीजें भी सीखने मिली है।